हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जयसवाल, और आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना है तो मुझे आ गई है याद पुराने वीडियोस की, जब मैंने ये वाला ड्रेस पहना था और बहुत अच्छे वीडियोस बनाए थे ग्रीनरी में। आपने देखे के नहीं बताइए मुझे। तो ये वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद आती है, और ठंडी है ना, तो इसमें थोड़ा सा चांस मार लिया, ये पहन लिया। और इस ना इतना गर्म है ना कि ना पूछो बात। अब बाहर जाऊंगी तो ही पता चलेगा कि कितना गर्म है। बाय द वे, आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल, और आज का वीडियो हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, और गाइस इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए। और सबसे बुरी बात यह है कि इंस्टाग्राम पे मेरी रील्स नहीं बनती है, और मैं फेसबुक पे बहुत सारी रील्स डालती हूँ, पर सारे पेजेस तो इंस्टाग्राम पे है ना, तो इंस्टाग्राम पे रील नहीं बनती, उसकी वजह से मेरा नुकसान ही हो रहा है। तो कल मैंने नेल पेंट लगा ली थी, और कल पार्टी में गए थे, झील की बर्थडे पार्टी में, झील होटल में, बड़ा मजा आया। तो अगर ना देखा हो तो आप इससे पीछे वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। हो सका तो मुझे भी, मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं रहता, भागम भाग मची रहती है, उसकी वजह से मैं सब कुछ रह जाता है मेरा। और बस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। कैसी लग रही हूँ बताइएगा मुझे। आप लोग कमेंट्स नहीं करते यार, कमेंट्स के सारे कमेंट्स के जवाब देती हूँ। आप पूछोगे लंच में क्या बनाया है, तो लंच में मैंने आज बनाया है वटाना, आलू, टमाटर, गाजर और बॉईल अंडे की सब्जी और एक परोठा। वाओ, है ना यम्मी वाला लंच बन गया है करके। और भागम भागी करनी पड़ेगी, पैसा कमाए बगैर चलने वाला नहीं है, तो उसके लिए दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। बस जय को भी परेशानी हो रही है, और मतलब है ना, दुनिया एक दूसरे की दुश्मन बनी हुई है, और वो दुश्मनी निभाने में ना वो किसी को आगे नहीं बढ़ने देते। ये सब सारी परेशानियां चल रही है, तो उसी में से रास्ता निकाल के हमें जीना है, और बस अपने आप को खड़ा रखना है। कुछ थॉट आए मन में तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूं और तो मैं क्या कर सकती हूँ, बस, और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और मैंने लास्ट टाइम जब आलू लगाए थे और आलू इतने सारे हुए थे, इस बार मैं मिस कर गई हूँ आलू लगाना, क्योंकि बहुत ठंडी पड़ रही है, तो बाहर आंगन में काम करना पॉसिबल नहीं होता कि ये प्लांट्स लगा दूँ वो प्लांट्स लगा दूँ, तो उसकी वजह से मैंने इस बार कुछ भी नहीं, सिर्फ गाजर और अरे गाजर क्या, सिर्फ पालक और ऐसा सब थोड़ा बहुत बोया है, ही उगा है, वही अच्छा हुआ है, उस दिल नहीं कर रहा है। धनिया उगाया था वो भी है, पर उनको निकालने को दिल नहीं कर रहा है, इतना सुंदर लग रहा है ना कि न पूछो बात। तो पार्लर पे पहुंच गई हूँ, और पार्लर पे आने से पहले मैंने लिया राइस रात को खाने के लिए, और राइस तो बहुत सारे पड़े हैं पर मुझे बासमती लेना था तो मैंने लिया, शक्कर नहीं थी तो शक्कर ले ली, नहीं तो नहीं थी, हाँ ही है पर बैलेंस में ले लेती हूँ, शक्कर ले ली, हल्दी ले ली। और अब आई हूँ, बहुत सारा पसारा पड़ा है पार्लर पे पर वो साफ करूंगी, उससे पहले ये खा लेती हूँ केक। अभी एक वीडियो अपलोड करना है और पब्लिश भी करना है, और उसमें तो बहुत सारे क्लिपिंग्स है, बहुत मस्त वीडियो बना है रात का, तो पार्टी की थी तो उसका वीडियो है, तो उसको एडिट करती हूँ। और ये ना मुझे केक खाने को ना दो दो दिन से क्रेविंग हो रहा था, और देखिए केक मेरे पास आ गया अपने आप। तो ऐसी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, लेकिन बड़ी ख्वाहिशें कब पूरी होगी पता नहीं। तो मैं मिलती हूँ आपको केक खाने के बाद और साफ सफाई करने के बाद। ओके, तो गाइज मैं आ गई हूँ घर पे, और मैं ना चावल लेने में फंस गई। मैं दिखा रही हूँ आपने, मैंने सामान लिया ना मॉर्निंग में, राइस लिया और हल्दी वगैरह सब कुछ लिया ना, तो उसमें ना चावल मैं आज खोल के देख रही हूँ। मैंने देखी, मैं बताती हूँ मैंने कौन सा चावल लिया, ये वाला चावल लिया, और आप देखिए अंदर से चावल क्या निकला है। ये बासमती चावल हो सकता है,
गॉड, फंस गई मैं, पूरी तरह से फंस गई। मतलब जब ये चावल मैंने कुकर में खाली किया ना, मैं देख गई कि ये कैसा चावल है, गॉड। तो अभी खाने में मैं चावल बना रही हूँ, और मसूर का दाल मैंने भिगा के रखा है, अभी मैं ऊपर जाके देखती हूँ और उसके बाद ये बनाती हूँ। तो चावल भी भिगा के जाऊंगी तो आऊंगी नीचे, तब फटाफट हो जाएगा मेरा काम। 2 डब्बे चावल घर पे पड़े हैं तो, पर मैंने सोचा नहीं, मुझे वो वाले चावल नहीं खाने हैं, मैं लेके जाती हूँ बासमती। तो बासमती छूटा चावल उसके पास था, पर मैंने उसके पास से नहीं लिया छूटा, 120 रुपया केजी बता रही थी तो नहीं लिया। मैंने बोला नहीं, पैकेट वाला दो, पैकेट वाला साफ सुथरा रहता है, बिनने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए मैंने उस तरह का चावल लिया तो उसे मैं फंस गई। नहा ली, पर वो भी ठंडे पानी से, क्योंकि ऑलवेज की तरह गीजर काम नहीं कर रहा है। तो ठिठोरते ठिठोरते नहा ली ठंडे ठंडे पानी से। पता नहीं क्यों सुबह देखती हूँ गीजर को, अभी क्या चल रहा है और क्या नहीं। अभी तो जाके पहले मसूर की दाल बनाती हूँ, एकदम उसको चिकन की तरह बनाऊंगी, अच्छे से मस्त गरम मसाला डाल के। और चावल, लींबू लाना भूल गई हूँ, अगर लींबू रहता ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता था। पर कोई ना गाइस, इमली डालूंगी इसमें। चावल को देख देख के मुझे हंसी आ रहा है, कभी कभी बंद लिफाफे में गलत कुछ निकल आता है, वैसा ही हुआ है अभी तो मेरे साथ। तो चावल को चढ़ा देते हैं गैस पे, और दाल को भी चढ़ाएंगे गैस पे। इसमें बघार में बाद में डालूंगी चूरने के बाद, अभी थोड़ा सा नमक और वो सब डाल देते हैं। दाल तो मजे की चूर रही है मेरी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है 26 जनवरी, और आपको सभी को 26 जनवरी आजादी के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, अभी मैं बनाने जा रही हूँ गर्मा गर्म चाय। सभी के लिए रात की सब्जी मैंने गरम कर ली है, आपको पता है रात को मैंने मसूर की दाल बनाई थी तो गरम कर ली है। और कितना भी करो थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। जल्दी उठ गई हूँ मैं, ऐसे में उठ जाती हूँ जल्दी ही और जल्दी जल्दी काम करती हूँ। गाजर का हलवा बनाना है आज मुझे एकदम से, बहुत दिन हो गए गाजर का हलवा बनाऊंगी, गाजर का हलवा बनाऊंगी सोच रही हूँ। अब मैं कंफ्यूज हूँ कि वीडियो पहले अपलोड करूँ या फिर वीडियो शूट करूँ, पर फिर वीडियो बहुत लेट 12 बजे तक जाती है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ अभी अपलोड कर दूँ तो फटाफट हो जाएगा, पर फिर वीडियो शूट करने का रह जाएगा अगर मैं अपलोड करने बैठूंगी तो। रात को ना ठीक से ढंग से नींद नहीं आती है, रात को बहुत दिमाग में उथल पुथल मची रहती है और इसी वजह से ना ढंग से नींद नहीं आती। देखो मुझे दूध भी लाना है, दूध खत्म होने आया है, 2 दिन चलेगा। और पहले मैं सिर्फ दूध की चाय बनाती थी, अब मैं दूध बहुत कम डालना पसंद करती हूँ। तो लाइफ के बारे में आपको बता रही थी, तो लाइफ है कि ये बाल को क्या हुआ, लाइफ है कि तूफान मचाई हुई है जिंदगी में, उस बारे में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। देखती हूँ कब बनाऊँ, कब हिम्मत जुटाऊँ और कब वीडियो बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो वो वीडियो मैं जरूर बनाऊंगी, मैं पहले तो डर गई थी इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया उस बारे में, पर अब मैंने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई है। और आप तो मेरे, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। और जय, अपने जॉब से परेशान हो रहे हैं, वहां पे लोग उनको ठीक से जीने नहीं दे रहे हैं,
पता नहीं क्या आजकल ना दुनिया दुनिया की दुश्मन है। अपने ऊपर कोई रहेगा वो जरूर अपने पांव से दूसरों को दबाना ही चाहेगा। ऐसा है, किसी को चैन से जीने नहीं देते हैं। गाइस पूरी लाइफ ना इतनी कश्मकश में बीती है ना, इतनी सोच में बीती है कि पूछो मत। उसी में से इतना तो भी रास्ता निकाला है कि मैंने अपना खुद का शॉप लिया और खुद का पार्लर ओपन किया। उस बीच में से ही मैंने बहुत जब मैंने शादी किया था बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। जय बाहरगांव जॉब करते थे सब कुछ, पर पता नहीं क्या हुआ सब कुछ मतलब ये होता गया धीरे 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 धीरे। चाय मेरी बन रही है मजे से और मुझे बहुत प्राउड था कि मेरा पार्लर तो हमेशा एकदम जोरों शोरों में रहेगा। पर जब से कोरोना आया तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या 80% बिजनेस पे असर हो गया है। और 80% बिजनेस थोड़ा सा कम, 80% को थोड़ा नहीं बोलते ना गाइस, मैं भी क्या बोल रही हूँ 80% बिजनेस कम हो गया है, उसको लाइन पे आने में ना धीरे धीरे टाइम लगेगा। क्योंकि लोग ना लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग कहाँ से आएंगे? पार्लर जैसी चीज में लोग पैसा नहीं ये करेंगे, खाने पीने की चीज में लोग लेते हैं खर्चा करते हैं, पर पार्लर जैसी चीज में लोग खर्चा नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा सबर तो करना पड़ेगा, पर इंसान सबर करे भी तो कितना करे, कितने दिन तक सबर करे? और रोज दिमाग में उधेड़बुन मची रहती है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा बिजनेस और चालू करूं, क्योंकि जगह तो मेरे पास बहुत सारी है, पर उसी में मैं कौन सा बिजनेस और इंक्लूड करूं। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया हो ना तो मुझे बताना कि मैं अपनी शॉप पे और क्या बिजनेस चालू कर सकती हूँ एक्स्ट्रा। पार्लर तो है ही, पर उसके बाद में और क्या बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ? अगर जो मुझे देख रहा है, जो मुझे जान रहा है, वो मुझसे ये बात शेयर करें जरूर से। अगर ऐसे गांव साइड में कहीं रहती होती ना तो मैं साड़ी कपड़े की शॉप डाल देती थी, वो भी बहुत चलती थी। पर यहाँ तो कचरे जैसे बाजार भरते रहते, तो साड़ियाँ वगैरह बेकार का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना टाइम दे रहे अपने बिजनेस को, तो और भी उसमें कुछ बढ़ाए ना, जगह तो बहुत सारी है पर उसमें और कुछ बढ़ाए। मैं गाजर बाहर निकाल के रख देती हूँ और फिर चाय पीती हूँ। आज इसका मुहूर्त निकलेगा तो गाजर का हलवा बनेगा और फटाफट बन जाता है गाजर का हलवा, मैं तो बहुत इंस्टेंट तरीके से बनाती हूँ। तो चलिए गाइस पहले चाय पी ले, सब लोग उठेंगे तब तो पियेंगे, अभी मैं तो पी लेती हूँ। ठंडी में चाय की गरम धुआं भी इतना अच्छा लगता है ना कि ना पूछो बात। गरम करके लाई और यहाँ पे सोसाइटी में पूजा है तो म्यूजिक बज रहा था। अभी म्यूजिक जरा सा बंद हुआ तो मैंने बोला थोड़ा सा आपसे बात कर लेती हूँ। अब चाय पी के जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने।